नमस्ते यादव, सत श्री अकाल, किम चू के रो, हाल जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र। मैं हूँ चिताल पटेल, आपके अपने चैनल स्टूडेंट खबरी पर। और आज हम बात करने वाले हैं अरे चंचन गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर्स बैंगलोर। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि अरे चंचन गिरी जो कॉलेज है वो बेसिकली जो सिचुएटेड है भाई बैंगलोर में सिचुएटेड है। अगर आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। और आज हम इस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन पर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट की तो 1986 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था गाइस। अगर हम इसके ओनरशिप की बात करें गाइस तो ओनरशिप में ये प्राइवेट ओन यूनिवर्सिटी है गाइस। इसी के साथ साथ गाइस आपके लिए बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के ऐसे सवाल होते हैं जिनके सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलते, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर आपके लिए हमने तीन लिंक प्रोवाइड की है। हमारी है प्रेडिक्टर, प्रेडिक्टर जो आपकी हेल्प करेगी प्रेडिक्ट करने में कि आपके रैंकिंग के हिसाब से ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशंस ले सकते हैं, और मतलब आपके लिए ऐसे कौन से कॉलेज है जो आपके लिए अवेलेबल है आपके स्टेट में या फिर ऑल ओवर इंडिया। तो प्लीज गाइज एक बार चेकआउट जरूर कीजिए और अप्लाई जरूर कीजिए प्रेडिक्टर में, ताकि आप प्रेडिक्ट कर पाए कि आपके ऐसे कौन से कॉलेजेस है आपको अलॉट किए जा सकेंगे एज पर योर रैंकिंग्स। उसके बाद हम आते हैं इस नंबर ऑफ सीट्स पे। तो गाइज इसमें नंबर ऑफ सीट्स हमको इंक्रीज दिख रही है। जो हमारे पिछले वीडियो थे हमने उनमें देखा कि नंबर ऑफ सीट्स उनमें 150 अलॉट की जाती है, इसमें हमें नंबर ऑफ सीट्स का इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो गाइज इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है वो हमारी 180 है। तो गाइज आपके लिए बेनिफिट का टॉपिक है कि आपके लिए नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। इसी के साथ साथ बट ये नंबर ऑफ सीट्स को भी ये लोग डिवाइड करते हैं लाइक कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाती है, जनरल, ओबीसी, देन एससी, देन एसटी। तो गाइस मतलब इसके हिसाब से भी वो क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। साथ ही साथ इसमें पीडब्ल्यूडी की कैटेगरीज भी आपको दी जाती है। तो गाइस बेसिकली क्या होता है हर कॉलेज में एज पर द कैटेगरीज, एज पर द कास्ट जो रहता है वो रिलैक्सेशन मिल जाता है सीट्स में, तो वैसे ही हर कॉलेज का होता है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें भी आपको वो सेम रिलैक्सेशन मिलेगा। बट गाइस क्या होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में बहुत डिफरेंट होते हैं। गवर्नमेंट का अगर हम क्राइटेरिया देखें तो भाई उसका क्राइटेरिया, बजट का अगर फीस का क्राइटेरिया देखें हम, तो भाई प्राइवेट का इतना होता है तो गवर्नमेंट का इतना होता है। बट अगर हम कट ऑफ की बात देखेंगे तो ये जो हमारा है ये जो ग्राफ है वो हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है कट ऑफ स्लो डाउन हो जाता है और गवर्नमेंट में कट ऑफ हाई हो जाता है, क्योंकि तभी तो गवर्नमेंट कॉलेज को ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो बहुत बजट में होती है। तो अगर हम इस कॉलेज की फीस की बात करें गाइस तो 5.08 लाख समथिंग इस कॉलेज की फीस है। आपके लिए ये बहुत बजट में है, मतलब ये एक साल की फीस है ओवरऑल। तो अगर हम देखें भाई तो थोड़ा ज्यादा फीस है, बट ये है कि हाँ बजट में है, बाकी कंपेयर टू अदर कॉलेजेस ही बजट में। बट ये बैंगलोर सिटी में है तो बैंगलोर जो है वो काफी कॉस्टली सिटी है, तो उससे रिलेटेड हम देखें तो भाई नॉर्मल है, ये थोड़ा सा बजट है बट स्टिल इट्स गुड। उसके बाद हम बात करेंगे भाई कि किसके थ्रू हमें एडमिशन मिल सकता है। तो गाइस सबसे पहले हम स्टेज वाइज बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले 10+2 होना कंपलसरी है भाई, 12th हमारा पास होना कंपलसरी है विद पीसीबी स्ट्रीम, पीसीबी स्ट्रीम आपका होना जरूरी है, 12th पास होना जरूरी है विद मिनिमम 50% एग्रीगेट। साथ ही साथ आपका नीट यूजी, जो नीट यूजी होता है उसमें भी आपका जो स्कोर होता है वो आपका अच्छा होना चाहिए, कट ऑफ आपके अच्छे होने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आपको कट ऑफ के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ गाइज हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड की है जो कि है कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल है एज पर योर रैंक। तो गाइज एक बार आप प्लीज़ उसमें जाके चेकआउट जरूर कीजिए। आप अगर कोर्स लेंगे ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, मिनिमम कॉस्ट पर है, तो आपके लिए क्या होगा ये हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ हमारी टीम, हमारे काउंसलर आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। उसके बाद गाइज हम बात करेंगे भाई अगर आपको आपकी स्टडी कंटिन्यू करनी है तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप नीट पीजी भी दे सकते हैं। नीट पीजी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, बट हाँ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए। इसी के साथ साथ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक प्रोवाइड की है, वो हमारी प्रोफाइल एनालिसिस की। तो गाइज आप अगर अपना प्रोफाइल एनालिसिस करना चाहते हैं तो जाकर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करिए, ताकि आप पता कर पाए कि ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
तो उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे गाइस, ये है हमारा हरी चुनचागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर्स बैंगलोर। इसी के साथ साथ अगर आपको और भी डाउट्स है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे गाइस, हमारे काउंसलर्स, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह कुछ और नए वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे गाइस, बाय बाय, टेक केयर। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.